नमस्कार दर्शक वृंद, आपण मानक समस्त को मोर ड्रीम वर्ल्ड सेवेन चैनल स्वागत करे। आपण मान जदि प्रथम थर आम चैनल को आसुच्च निश्चय वीडियो को लाइक करूँ, शेयर करूँ एवं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आउ कमेंट मध्य देवे आपण को वीडियो की किपर लगला। तो बंधु माने डायरेक्ट आम चल जा आज टॉपिक उपर। आज टॉपिक हूँ आम जनकर किपर भाव जत्न नौ कथा होदि कहीं आपण घर को जदि कुणी आसिले आपण मैंने कौन करेंगे? निश्चय भल खाद्य देवे, वस्त्र भी देवे, जहाँ फैसिलिटी आप पार पर्यन चेष्टा करेंगे देवे। आपण तक खाद्य दे सारे आपण से विदाय कर समय कौन आपड़ मारे यह केवर नाई, कितु आम कर आमे तांको शेषरे माड़ मध्य मारुछु। हेले एक कथा आमे बुझी पारुनु, से व्यक्ति आमर शत्रु नहंती, से आमर मित्र, से आमर बंधु गुरुजन, से आम गुरु गृह को से आसुछंती, से केड़े प्रेम आसुछंती। किंतु जदि आमे शेषरे तांको सब किछि फैसिलिटी देला पर जदि आमे तांको माड़ मारुछु ताहेले आमे भूल करुछु, निश्चय आमे भूल करुछु। जदि सत कथा आपण मैंने जानवे तो बुझीपर आपण मैंने भूल कर ना। हेले गणेश विषय आप देखु, महागुरु गणेश, महाज्ञानी गणेश, जहाँ को आम स्नेह मान बहुत प्रेम खुशी आम मटीर आम मूर्ति तैयार करूँ, पूजार्चना करुचु, गुहारी करुचु, नड़िया कदमी जहाँ दरकार सब दूचु, आते खुशी लगुचु। गाँ सारा आम कौन करा डीजे बजाऊ, बहुत खुशी समस्त पिला भी एकजुट हो नाच करती, आर विसर्जन करने को बर्तमान जाऊँ, कौ नदी हो कौ बंधरे बर्तमान विसर्जन करने को जाऊ, बहुत भल कथ। विसर्जन कलापर आम को टे मटी दरकार हुए, आपण मैं जानती मटी दरकार हुए, आेष कौन करूना जिते बारे विसर्जन करू बंधरे पकईदेव से समय आम दला चकड़ा कर गोड़ हाथ मुंड सब आम छिन्न भिन्न करदेव, भागी दौ सब आपरी भाव शत्रु पर आम प्रति व्यवहार आम कर। तो आपण मैंने चिंता करेंगे गणेश आपण मानक आपण समस्त जहाँकि आपण मैंने कर्म कले से गणेश खुशी अच्छा कि ना? बिलकुल ना। आपण मैंने जो कर्म कले शत्रु मध्य पर कर्म करेंगे ना, गणेश बहुत दुखित अच्छा। तो दे कथा आपण मैंने चिंता करेंगे, हे तो आगामी दिन मानक गणेश पूजा समय आपण मैंने एपरी आगे ना। तो आज आम मेन टॉपिक हूँ माटी, आम जो माटी रे तैयारी करछु, माटी रे आम समस्त विषय तैयार करछु। आ माटी विशेष कोई से कथा कही पारे ना, जहाँकि पथर मत कथा कही पारे ना, से माने होचंती निर्जीव, से मानकर जीवन ना, किंतु आम भक्ति केते करछु माटी रे। आम मूर्ति तैयार कर बहुत भक्ति करछु, नड़िया मत देउछु केड़े भक्ति, आम पूजा अर्चना चली, राति चारटा आम नित्यकर्म हो, फूल तोलियापाई सबकि मानने गुहारी करने मंदिर को जाऊँ, जहाँकि मटर तैयारी मूर्ति गुड़ाक। यही कथा बुझीपारू से आखि अच्छी कितु से मैंने केवे देखते ना, जहाँकि से मानकर पार्टी अच्छी कितु से मैंने पार्टी फिटे पारे ना, से गोड़ अच्छी से मैंने चली पारे ना। तो यही कथा आम जिते बड़े बुझीपर ताल आम हे तो बुझीपर से मानकर जदि ये अकामी होती आपण मैने से पूजार्चना करलमंद कर तो से उधार करेंगे किपर? से हलचल हो पार ना, से गोटे पाद पक पार ना, आपण जो दुख आसार आपण को से उधार करेंगे किमी के पारे ना। माटी पत्थर आमे चाहा को मध्य प्रभु बोली कहूँ, किंतु तांको पाखरे जीवन ना, आम पाखर अच्छी आमे दौड़ी पारिबा समस्त किछि कर्म करि पारिबा, किंतु से माने गोटे पाद मध्य आग को बढ़े पारे ना। आम तांको प्रभु कहूँ, आमर समय समय पलाउछि, टंका मध्य पलाउछि, आमर आमे अनिद्रा मध्य होउछु, बहुत कष्ट मध्य पाउछु। जदि आमे सत्य को ज्ञात होबा ताहेले आमे निश्चय जानिबा ए सब जो करुछु ये सब द्वारा आम के बैकुंठपुर जापरिया ना। ये आम ट्रेडिशन अनुजाई
ବାମ ପରମ୍ପରାରେ ଆମର ଚାଲିଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ଏମିତି ହେବ ସେମିତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଯେଉଁ ସତ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ସେହି ସତ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବ। ସେହି ସତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏକା। କିପରି ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନଗଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି କଥା ସତ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ। ସେ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କବର ଦିଆଗଲା, ଆମର ପାପ ପାଇଁ ସେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଳିକୃତ କଲେ। ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନରକର ବଳ ବା ପାତାଳର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତକୁ ବିନାଶ କରି ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଆମ ପରି ସେ ଚଲାବୁଲା କରନ୍ତି, ଆମ ପରି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ସେ ଯୋଗାନ୍ତି, ଆମ ସାଥେ ସାଥେ ରୁହନ୍ତି। ନର ଦେହେ ନାରାୟଣ, ଈଶ୍ୱର ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଆମର ସେହି ପରମେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆମେ ଏହି କଥା ଜ୍ଞାତ ହେବା, ହୁଏତ ଆମର ପଇସା ମଧ୍ୟ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ଅନିଦ୍ରା ହେଉଛୁ, ଆଉ ବେକାର ବେକାର କେତେ କ'ଣ ଆମେ କରୁଛୁ, ସେହି ଦେହରେ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାତ ହେଲା ପରେ ଆମର ମୁକ୍ତି ଅଛି। ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଆମେ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିଛୁ, ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ତୁମର ଭାଇମାନେ, ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତ ଅନ୍ୟକୁ ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆଜି ଆମେ ଅନ୍ଧରେ ଅନ୍ଧ ଅଧର ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ ଆମେ ଯଦି ହୋଇଛୁ।